हमने संसार में देखा है कि एक आदमी का जो सुख होता है वो दूसरे आदमी का दुख होता है, और दूसरे आदमी का जो सुख होता है वो पहले आदमी का दुख होता है, ऐसा होता है। तो ये दुख और सुख कौन सी चीज़ है कि जो एक आदमी के लिए सुखदायक है दूसरे के लिए दुखदायक है? तो सुख और दुख की डेफिनेशन क्या है, उसको किस संयोग से देखना चाहिए तो अपना सुख दुख में परिवर्तित हो जाए? सुख दुख में या दुख सुख में? नहीं, दुख सुख में, वो दोनों ऐसे है कि उसी में उलझे रहते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका सुख दुख में परिवर्तित हो जाए। नहीं, बात बिल्कुल बराबर है। हर कोई चाहता है कि हमारा दुख सुख में ही परिवर्तित हो। एक्चुअली सुख और दुख यह सातावेदनीय और असातावेदनीय कर्म है, यह वेदनीय कर्म है। असातावेदनीय कर्म को दुख कहते हैं और सातावेदनीय कर्म को सुख कहते हैं। हर इंसान का अपना अपना यह कर्म है। एक ही घटना घटेगी उसके हिसाब से। एक पहले आदमी को सातावेदनीय कर्म का उदय होगा तो उसको उसी चीज़ से सुख होगा, और दूसरे को असातावेदनीय कर्म का उदय होगा तो उसको उसी चीज़ से दुख होगा। जो जिस हिसाब से, जिस विचारों से, जिस कर्मों से घिरा हुआ है उस हिसाब से ही उसको फल मिलता है भुगतने का। इसमें किसी का खुद का और कुछ नहीं है क्या? तो यह सामान्य इंसान संसार में जो जीते हैं मरते हैं, सुख दुख क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, उजाला क्या है, अंधेरा क्या है, इसकी कोई समझ नहीं है। वे सारे लोग क्या करते हैं? जैसा समय आता है ऐसे समय में खो जाते हैं। सुख अच्छा दिन, अच्छे दिन आए तो उसमें खुशी हो के नाचते झूमते हैं, बुरे दिन आए तो रो रो के मर जाते हैं। और ज्ञानी लोग क्या, कैसे रहते हैं? उनको ये सुख दुख दोनों से वह पर रहते हैं। वह ये बाह्य सुख और दुख को नहीं टच करते हैं, ये कर्म से वो अलिप्त रहते हैं। वह तो खुद स्वयं अपने आत्मा के शाश्वत सुख में ही रहते हैं। तो बाहर का हिसाब जो भी कुछ आता है हर एक को आता है, ज्ञानी को भी आता है, अज्ञानी को भी आता है। कहते हैं ना कि ज्ञानी और अज्ञानी जन सुख और दुख रहित न कोई, ज्ञानी और अज्ञानी जन सुख और दुख रहित न कोई। ज्ञानी वेदे धैर्य से, ज्ञानी वेदे धैर्य से, अज्ञानी वेदे रोई। रो रो के वेदता है और ज्ञानी धैर्य से, उसको कुछ टच ही नहीं होता है। तो बलियारी उसी की है कि ये सुख दुख तो जो आता है वो तो आएगा कर्म के हिसाब से हर कोई को, लेकिन बलियारी उसकी है कि जो ये धैर्य से यानी ज्ञान से उसको वेद ले, उसको पार कर ले, निर्लेप रहकर। ये कर्म ही है, साता असाता वेदनीय कर्म है और कुछ नहीं है। और हर इंसान भी अज्ञान दशा में भी लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी समझ से सुख को दुख को, अपनी अपनी ही अकल से उसको सुख को सुख मानते हैं, दुख को दुख मानते हैं, अपनी ही मान्यता से, अपनी ही अकल से। कई लोग तो इतने अकलवान होते हैं कि जहाँ कुछ दुखी नहीं है सुखी है वहाँ जानबूझकर दुख खड़ा करते हैं और रोते हैं खुद ही, अपने पैर पे खुद ही कुराड़ी मारते हैं और फिर सारी जिंदगी भर रोते रोते लंगड़ाते हैं। इसके जैसी बात है। ये जितना परिग्रह ज्यादा है, संग्रह ज्यादा है, उतना दुख आपको ज्यादा लगेगा। बोझ, सर पे बोझा जितना ज्यादा उतना आपको भुगतने का ज्यादा, जितना बोझा कम
जितना परिग्रह कम उतने ही आप मुक्त रह सकोगे।